यह हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है सर, नाइंसाफी हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है सर। बिल्कुल हमारे बाकी साथियों को भी रात को जो है कहां लेके गए हमें पता नहीं है। हम सिर्फ पीसफुली सड़क के कोने पर बैठ के हायर अथॉरिटी से बात करने की बात कर रहे थे, उस बात पर भी हमें डिटेन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देश किस राह पर है। यहाँ पर सभी देखो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी के यहाँ पे मर्डर हो रहा है। आपको पता है कि पिछले जो यूटी बनाई गई उसके बाद से लद्दाख के आवाम अपने मुस्तकबिल को लेके कुछ परेशान थे, तो चार पॉइंट एजेंडे के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पिछले बार कई दौर के बातचीत भी चली, लेकिन जब इलेक्शन आते आते वो बातचीत का सिलसिला जो कहीं ना कहीं रुक गए। तो हमें ये उम्मीद था कि गवर्नमेंट बनने के बाद कम से कम फिर से जो 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 टॉक्स थे वो उसको वो रिस्टोर किया जाएगा, मगर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी केडीए और एपेक्स के बैनर तले सोना मौचुक जी की क़यादत में ले से तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ऊपर जो है पैदल चल के इस उम्मीद के साथ ले से निकले थे कि हम लोग हमारे अपने देश के गवर्नमेंट और अपने देश के राजधानी दिल्ली जाके हम अपना जो जो इश्यूज़ है जो अपने जो जो खदशात है वो उनके सामने रखेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम लोग आए थे कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला कहीं रुके थे वो फिर से शुरू हो, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि ले से सोना मौचुक जी और उनके जो पूरे टीम जो पैदल चल के आ रहे थे उनको यहाँ पे रोका गया, और न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको अलग अलग टीम बना के उनको डिटेंशन किया गया। उस ग्रुप में बहुत सारे लेडीज़ भी थे, मैंने खुद देखा क्योंकि पंजाब में मैं काफ़ी उनके साथ चला था। 80-80 साल के बुज़ुर्ग जो है वो ले से उनके साथ चले हैं अपने लद्दाख के इश्यूज़ को लेके। तो कल डिटेंशन किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ुसूसन अमित शाह जी से हम ये उम्मीद भी करते हैं और हमारे गुजारिश भी है कि इतने दूर पैदल चल के अपने आप को तकलीफ़ में डाल के, हमने कभी लद्दाख में इस तरह का हमने एक्ट नहीं किया जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो, हमारे गवर्नमेंट परेशान हो, लेकिन हमेशा हमने एहतजाज किया अपने आप को तकलीफ़ में डाल के। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम या तो हमें यहाँ ऐसे पैसेज दे और दिल्ली में कहीं जगह जंतर मंतर या कहीं जगह पे हमको जगह दे जहाँ पे हम इनका कैलकुलेशन करें, और वहाँ से हम एक मेमोरेंडम हमारे पीएम साहब मोदी साहब को हम देना चाहते हैं, या तो हमारे लीडरशिप जो आज यहाँ पे दिल्ली में है केडीए के एपेक्स के सोना मौचुक जी है इनके साथ कम से कम बातचीत करके इसको इस मसले को हल करने की गुजारिश। तो अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ बताएगा कि कहाँ पे रखा गया है? दो कल रात को मैं निकला था उनको ढूंढने के लिए, तो दो जगह जहाँ पे एक जगह भावना थाना है वहाँ पे सोना मौचुक जी और उसके साथ कुछ लोगों को रखा है, उनसे मैं रात को मिल के आया हूँ। हमारे जो 20-30 औरतें हैं जो लेडीज़ हैं उनको कहीं और जगह रखा हुआ है, उनके साथ भी मैं मिला हूँ, मगर तीसरा जो ग्रुप जो है वो कहाँ है वो अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है। तो आपको लगता है जिस तरह से ये हिरासत में लिया गया पुलिस ने कार्रवाई की गई है क्योंकि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या लगता है आपको? नहीं देखिए हम तो एक उम्मीद लेके आए हैं, हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने करगिल लद्दाख की आवाम ने हर बार जब जब देश को ज़रूरत पड़े हमने अपनी कुर्बानी जानी माली हर चीज़ की कुर्बानी दी है इस देश की सुरक्षा के लिए। तो हमें ये उम्मीद एक लेके आए थे कि कम से कम हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, अगर जल्दी हल ना हो कम से कम एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो। कोई बाजार भी बंद करने के लिए कहा है लद्दाख में? लद्दाख में आज क्योंकि बंद करने के लिए नहीं कहेगा, लद्दाख के आवाम आज आक्रोश में आए क्योंकि यहाँ पे जो जो इनके लोगों के साथ जो इन्हें 700-800 किलोमीटर चल के आए हैं उनके साथ जो हालात यहाँ पे पेश आए उसके खिलाफ जो है एहतजाज में पूरे लद्दाख बंद है, दुकानें बंद है, गाड़ियाँ बंद है, और अगर ये सिलसिला थोड़ा अगर खींचता है तो वहाँ पे हालात भी ख़राब होने के लोगों को डिटेन किया जा रहा है। अभी ये करगिल से आए हुए हैं तकरीबन 70-80 लोग हैं यहाँ पे अभी तक रोके हैं, अभी ज़बरदस्ती इनको भी डिटेन किया जा रहा है। कोई
ऐसा इलीगल काम नहीं किया था। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम हमारे एमपी साहब के बात करने तक हम यहीं पे बैठना चाहते थे, लेकिन हमको जबरदस्ती जो है गाड़ी में बिठाया जा रहा है, या हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है सर, नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बाकी साथियों को भी रात को जो है कहाँ लेके गए हमें पता नहीं है, हमारे लेडीज भी उसमें है, हमारे औचक साहब के साथ लेडीज भी है, बाकी जवान हमें कहाँ है पता नहीं है अभी हमारा। दिस इज ब्रूट इनजस्टिस विद अस। हम 6-7 बॉर्डर्स क्रॉस करके आए, स्टेट बॉर्डर्स, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद कल हमारे 150 पदयात्री, आज हमारे 100 पदयात्री, सबको डिटेन किया जा रहा है। हम सिर्फ पीसफुली सड़क के कोने पर बैठ के हायर अथॉरिटी से बात करने की बात कर रहे थे, उस बात पर भी हमें डिटेन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देश किस राह पर है। यहाँ पर सभी देखो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी के यहाँ पे मर्डर हो रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट यहाँ पर, लद्दाख जैसे जो हमारे इंडिया का ताज कहा जाता है, वहां से हम पीसफुली मार्च करके कल सोनम वांगचुक द्वारा जो लोग आए थे उन्हें भी डिटेन किया गया। हम उन्हें सोलिडेरिटी के लिए यहाँ पे आए थे, पीसफुली 3 स्टेट्स को हम क्रॉस करके आए, स्कॉर्ट किया हमारे स्टेट्स के पुलिस ने, लेकिन दिल्ली आने के बाद इस तरीके के व्यवहार, हम कोई चीज नहीं, हम अपनी हक मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 200 हमारे जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम, और ये दिल्ली पुलिस की वहाँ लेडीज और जेंट्स को मिला के इन्होंने एक जगह डिटेन किया गया, जो कि बहुत शर्म की बात है। ये सारे अत्याचार यहाँ पे हो रहा है और ये जानना चाहिए सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक भी रखी हुई है आपने। बिल्कुल हाँ, हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अपने हक मांगने आए, हम अपने लिए अधिकार, हमारे से लोकतंत्र के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होती थी वो छीन लिया गया, ना वहाँ MLA है, ना वहाँ MLC है, वहाँ नाम के एक ही MP वहाँ पे मौजूद है और उसको भी काम करने नहीं दे रहे, उसको भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा।